गिरिडीह बस स्टैंड में कांवरियों के स्वागत में लगाए गए भगवान के बैनर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़कर नाली में फेंक दिया गया है। असामाजिक तत्वों के इस हरकत के बाद स्थानीय लोगों और बस स्टैंड में काम कर रहे बस एजेंटों में काफी आक्रोश है। इस दौरान बस एजेंटों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बस स्टैंड में संध्या वेला में कामों के लिए बोलबम के लिए बस खुलती है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए बस स्टैंड में बैनर लगा था और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात्रि को हम लोग 10 बजे तक तो थे यहाँ पे, 10 बजे के बाद देखते हैं सुबह हम लोग आए देखते हैं बैनर खड़ा हुआ। इसमें आशा से लोगों का मामला है, प्रशासन से आग्रह है उसका जाँच करके और दोषियों पर उचित कार्रवाई। सुल्तानगंज के लिए बैनर लगा दिया गया था बम लोग के लिए, तो जिला प्रशासन से मेरा नर निवेदन है कि आते दिन यहाँ पे बस में चोरी पकड़मारी छिनतई टेन कोरेक्स के कारण से ही आज समत्व लोग जो अगल बगल वाले हैं वो कभी बैनर फाड़ते हैं, कभी चोरी का करते हैं और भी यहाँ पे 20 बैनर था, किसी साथ नहीं कुछ हुआ। पर हमारे सावन माह में जो हम हमारे सबसे पावन माह उसके साथ धर्म के साथ छेड़छाड़ करके भोलेनाथ का फोटो फाड़ के नली में डाल दिया गया, हम आए उसको उठा के बाहर किए। हमारा जिला प्रशासन से नर निवेदन है सर, इससे जल्द से जल्द जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्यों ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है।